This conference will now be recorded. ये अभी तक जो रिवीजन इनके हैं वो तकरीबन दोनों के ना 50-50 मतलब हैं। तो ऐसा करते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं लेक्चर नंबर 3 का, जो उसकी रिवीजन है ना वो ओवरव्यू जल्दी जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं। जो इश्यूज है ना वो मैं अपनी स्क्रीन पे ही डिस्कस करके बता देता हूँ कि जी ये किस तरह होगा, ठीक है। दूसरा ये करते हैं कि हम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं। असल में बाज लोगों को ये इशू आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल समझ ही नहीं आई, तो मैं जल्दी जल्दी ना तकरीबन 15 मिनट हम जो है ना ओवरव्यू कर लेते हैं लेक्चर नंबर 3 का। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जैसे ही मेरी स्क्रीन आ जाए आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। जी गुड हो गया। चलें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि हम वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, लोकल होस्ट किस तरह इंस्टॉल करते हैं। फर्स्ट ये हम देखते हैं लोकल होस्ट के लिए। वैम सर्वर डाउनलोड करना था, तो वैम डाउनलोड करने के लिए आप गूगल में लिखेंगे वैम सर्वर डाउनलोड। सर्वर आप कोई भी यूज कर रहे हैं, वैम करना चाह रहे हैं, सबसे इजी जो है ना अगर आप करना चाह रहे हो तो बिट नामो जो है ना ये सबसे इजी है, आप ये यूज कर लें, सबसे इजी टू यूज है। और इसमें दूसरे सीएमए सिस्टम्स भी हैं जो वो भी अवेलेबल है, तो मैं तो यही सजेशन करूंगा कि यही यूज कर लें। ये आप सिंपल इधर जाए bitnami.com को ओपन करें। जाहिद भाई आज माजरत, मैंने आपको बताया कि अगर मेरा माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो इसलिए आपको थोड़ा आज ना नॉइस बर्दाश्त करना पड़ेगा। सॉरी एप्लीकेशंस गूगल ओपन कर लेते आप इधर से सिंपल टाइप करेंगे bitnami.com पे जाएंगे। इधर से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लें, आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना चाह रहे हैं, तो मैं 64 बिट के लिए करना चाह रहा हूँ। नो स्टेटमेंट टू डाउनलोड पे क्लिक कर लें। अब देखें इधर ऑप्शन हर जगह पे अवेलेबल होती है। वर्डप्रेस पे जब थे तो मैंने फर्स्ट असाइनमेंट दी थी, तो वर्डप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे पता था कि फ्री इधर वेबसाइट बना सकते हैं, तो मैंने इसीलिए कहा था कि आप वर्डप्रेस पे अकाउंट बनाएंगे तो आपका इजीली बन जाएगा। तो बाद लोग कह रहे थे नहीं जी पेड है, पेड नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उधर बना सकते हैं और कर सकते हैं। या जितनी देर ये डाउनलोड हो रहा है ना उतनी देर हम किसी एक बंदे का इशू जो है ना वो ले लेते हैं कि जिस चीज को इशू है। जी जितनी देर डाउनलोड हो रहा है तकरीबन ये 10 मिनट लगेगा डाउनलोडिंग में, तो उतनी देर कोई एक बंदा जो इशू अपना रिजोल्व करवाना चाह रहा है ना वो मुझे बता दे, मैं उसको ले लेता हूँ स्क्रीन पे। अपना नाम मैसेज कर दे, सर इशू रिजोल्व करवा दें प्लीज। वोसिया तनवीर, वोसिया तनवीर मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे इशू बता दें, आपको क्या इशू आ रहा है। जी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन जी
जी गोसिया तनवीर। सर एक मिनट प्लीज, ये शेयर नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। आप प्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने अलाउ कर दिया आपको। एक मिनट सर, नहीं हो रही सर, मैं शेयर पे क्लिक कर रही हूँ पर नहीं हो रही। सर मैं क्या ऐसे आपको दिखा रहा है बता आपके पास? देती हूँ, नहीं हो रहा, वो बटन ही जी इनेबल नहीं है शेयर का, वो लाइट हुआ हुआ है, फेडेड है। अलाउ करें ना, शेयर स्क्रीन तो आपके पास एम्बेडेड होगा। कोशिया तनवीर आपको प्रेजेंटर बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी। सर नहीं हो रहा, एक मिनट जी, इशू सर, बताएं, मैं आप अपना इशू बताएं, आपका क्या इशू है? सर वो ये है कि मैंने जो थीम सिलेक्ट किया था ना, वो उसकी पिक्चर जो थी वो ऊपर से वो बिल्कुल थोड़ी सी हो गई है, ऊपर लाइट सी आ रही है, मतलब पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रही, पहले आ रही थी लेकिन जब मैंने कॉन्टेक्ट एक्स का वो फॉर्म बनाया था फिर उसके बाद वो हाफ पे चली गई है, बल्कि अब हाफ से भी कम पे चली गई है पिक्चर, वो पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रही। कुछ इस तरह का, जब तक देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो मैंने तो आपको अलो किया हुआ है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो ये बटन इनेबल नहीं हो रहा। एक मिनट हमाद साहब, मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ। आपका क्वेश्चन है, वर्डप्रेस की फाइल को एचडी डॉक्स में पेस्ट कर दिया है। एक मिनट हमाद भाई, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें काइंडली। आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर, नहीं हो रही सर, नहीं हो हमाद रही सर। भाई, यार क्या इशू हो सकता है, क्यों नहीं हो रही? एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन फर्स्ट शेयर करता हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ। मेरी स्क्रीन आ रही है अभी? यस सर, यस सर, अब अपनी यस शेयर करें सर। स्क्रीन आप। नो सर, नहीं आ रही सक्रिय। मेक प्रेजेंटर, अब चेक करें, शेयर करके भी शेयर करें स्क्रीन आपकी। नो सर, क्या कर सकते हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें क्या इश्यूज हैं अब, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन बिल्कुल, मैंने अलो किया हुआ है। मैं दूसरी परमिशंस भी सारी अलो कर देता हूँ। वेबकैम को भी मैं अलो कर रहा हूँ। अभी स्टूडेंट्स अपने वेबकैम भी ऑन कर सकते हैं। अब भी आप ट्राई करके देख लें कि अभी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। नो सर, नो सर, हमाद नसीर को नहीं किया मैंने। हमाद जो अकेला है उसको अलो किया हुआ है। अब मैं हमाद नसीर को अलो कर रहा हूँ। जी हमाद नसीर, अभी दो हमाद ज्वाइन है इस टाइम पे, तीन हमाद ज्वाइन है। हमाद, हमाद अब्बासी, हमाद नसीर। अभी मैंने हमाद नसीर को अलो किया है। जी आ गई आपकी स्क्रीन, क्या इशू आ रहा है हमाद भाई आपका? कि सिर्फ स्क्रीन आ रही है, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लें। सर मैं पेश करता हूँ ना ये एचटी डॉक्स में, तो उसके बाद नहीं हो रहा मेरा डाटा पेश के लिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लोकल होस्ट लैश पेज पर लॉग इन ओपन करें, ब्राउजर ओपन करें, उसमें अपने पहले सर्विसेज स्टार्ट करें अपाची और एसक्यूएल की, मतलब वेब जॉब जो भी आपका, इधर अपने डेटाबेस क्रिएट करें कोई भी। सर क्रिएट है डेटाबेस, अब अपने जाकर वर्डप्रेस की फाइल जो है ना एचटी डॉक्स में पेस्ट करें। कौन सी फाइल सर? डाउनलोड की है wordpress.org से। वर्डप्रेस का फोल्डर ओपन करें, जी अब अपना ब्राउजर ओपन करें, यस सर खोलिए, खोलिए इधर लिखो लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। सर आवाज सही नहीं आ रही आपकी, स्लैश वर्डप्रेस आगे लिखते हैं, स्लैश वर्डप्रेस, वर्डप्रेस जिस फोल्डर का नाम रखा है ना आपने, जिस फोल्डर से आप वही आपने आप लिखना होता है, जी एंटर करें। लेट्स गो करें, अपने डेटाबेस का नाम एंटर करें। अस्सलाम वालेकुम, सर यहाँ पे क्या लिखना है? इधर आप लोकल होस्ट करें, सर आवाज नहीं आ रही सही, सर आवाज का इशू है आपकी तरफ, हमाद भाई इधर लोकल होस्ट ही रहने दें, सबमिट कर दूं? हाँ जी आगे सबमिट कर दें, वर्डप्रेस सर इसके जो वर्डप्रेस है इसके लिए वैम्प प्रो एग्जाम लाजमी है सर, ये भी एरर है, ट्राई अगेन करें, इन्फॉर्मेशन सबमिट करें सिर्फ, सर नॉइज है बहुत, आवाज समझ नहीं आ रही आपकी, पासवर्ड की पासवर्ड की जगह पासवर्ड को कट कर दो यहां से।
एम्प्टी कर दो। सबमिट करो। क्या नाम रखे प्लीज मैं जाऊं काइंडली। अब देखिए आपने ऊपर वो टॉप पे देखिए आपको क्या डेटाबेस का नाम लग रहा है जो कि आपका सर्वर का लिखा हुआ है 127.0.0.1 उसके आगे लिखा हुआ है डेटाबेस उसके आगे डेटाबेस का नाम आपकी आवाज भी आपने डेटाबेस लॉक की हुई है सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही सर आप ये डेटाबेस हमाद ईबी वहां पे लिखो दूसरे खोलो वर्डप्रेस को ये दूसरी वर्डप्रेस सेटअप खोलो ना ये यहां से खोलो वर्डप्रेस सेटअप जो कर रहे हो अभी यहां पे हमाद डीबी लिखो हाँ रुको 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 ट्राई अगेन करो पासवर्ड को हटाओ यहां से पासवर्ड अभी करो हाँ रन करो अब दो टाइटल वेबसाइट यूजर नेम जो मर्जी लिख लें सर हमाद भाई यूजर नेम और पासवर्ड जो है ये नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन होंगे वर्डप्रेस पे तो ये क्रेडेंशियल हैं आप जो देंगे नेक्स्ट टाइम आपको यही देने पड़ेंगे लॉगिन होने के लिए वर्डप्रेस पे वर्डप्रेस पासवर्ड को हाइड करो और वहां पे कोई इजी सा डालो ताकि याद रहे हमाद भाई से अनचेक ही रहने दें कंफर्म ये जो आ रहा ना एंड पे जो सर्च इंजन विजिबिलिटी आ रहा है उसको आपने इनके अनचेक ही रहने देना है उसको नहीं चेक करना सही इंस्टॉल कर तो अभी मुझे बताएं कि स्क्रीन मेरी क्लियर हो आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी जी बसी सब आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं ब्रदर मैंने आपको बताया कि वैम्प ज़ैम्प बिटनामी कोई भी वो सॉफ्टवेयर जो आपको अपाचे सर्वर और एसक्यूएल सर्वर या MongoDB की सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो आप यूज कर सकते हैं और आज का जो सेशन है वो मैं बिल्कुल शॉर्ट करूंगा इसमें क्योंकि नॉइज का काफी ज्यादा इशू है मतलब माइक ऑफ नहीं हो रहा आई डोंट नो क्या इशू है जी ये मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ काइंडली देख लें नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
अब जब आपने इधर ये है कि आप सिर्फ सिंगल वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं, जिस तरह उधर हम डाउनलोड करके न्यू डेटाबेस क्रिएट करके जितनी वर्डप्रेस चाहें वो कर सकते हैं, इधर वो नहीं हम सिस्टम कर सकते। हम इधर एक सिंगल जो है वो ही बना सकते हैं, सिंगल वर्डप्रेस जो है वो हमें ऑफर करेगा ये। ठीक है, मैं इसको एडमिन एडमिन दे रहा हूँ और मैं इसको कर रहा हूँ नेक्स्ट। मस्ट लॉग इन एंड पासवर्ड मस्ट बी नॉट बी सेम। ओके जी, वर्डप्रेस जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। यार आई थिंक मेरी ना पोर्ट का इशू बन रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या इशू आ चल रहा है, क्योंकि कभी वॉइस का जो है ना वो नहीं इशू आया। तो दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, 80% जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ अटैच हैं वो ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि वेबसाइट क्या होती है। तो हमारी मजबूरी ये है कि हमें सबको लेके चलना है। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन है, अगर आपने कुछ स्टेप अप जा रहे हैं उनसे, आपको आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर लिया, तो जरूर आपके लिए ये लेक्चर्स बोरिंग होंगे कि यार वो फजूल में वापस चले गए हैं, ये काम कर रहे हैं। मसला ये है कि हमने एक स्टूडेंट को, दो स्टूडेंट को, 10 स्टूडेंट्स को ट्रेन नहीं करना। हमारा मकसद ये है कि हर स्टूडेंट जो है ना वो इस काबिल हो के काम करे। जो बंदा हमें टाइम दे रहा है उसका टाइम जाया ना हो। ठीक है, हमारी मैक्सिमम कोशिश यही है कि हर स्टूडेंट हमसे लर्न करें। ठीक है, अगर आप इस काबिल हैं, काइंडली माइक अपने म्यूट रखें। काइंडली, मेरा पहले ही शोर बहुत ज्यादा, तो फिर आपकी माइक का भी मिल जाता तो वो शोर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये फिर तारिक भाई, हमजा तारिक साहब, अपना माइक म्यूट रखें आप काइंडली। ठीक है, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को ऊपर लेके जाऊं कि नहीं, हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम सब ने मिल के ग्रुप बनाने का मकसद भी ये था कि हम सब मिल के जो है वो काम करें, मिलके सीखें। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, फीमेल स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना अलहदा ग्रुप बना के उधर डिस्कशंस करते हैं, तो मकसद तो खत्म हो गया। जो ग्रुप हमारा बनाया उसका तो मकसद खत्म हो गया। वो तो उधर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उन्होंने तो नहीं ना सीखा। जब इश्यूज ये आते हैं कि जब आप इररिलेवेंट उधर बात करना शुरू कर देते हैं तो फिर ये इश्यूज आते हैं। जब आप सिर्फ इशू वर्डप्रेस से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करेंगे ना, तो फिर दूसरे स्टूडेंट्स जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर ली है, लोकल होस्ट पे फॉर्म वगैरह बना लिया है, उन्होंने प्लगइन वगैरह को समझ लिया है, तो वो दूसरे लोगों की हेल्प करें, ना कि ये करें कि जी ये लेक्चर रिपीट ना होना चाहिए, ये इस तरह करें उस तरह। मसला ये है कि मुझे इल्म है कि 80% स्टूडेंट्स जो है ना वो न्यूबीज हैं। उनको अभी तक कभी उन्होंने जिंदगी में सीएस की तो पूरा उन्होंने कर लिया है, मगर उन्होंने अभी तक वैम्प नहीं इंस्टॉलेशन करके देखा। उनको ये नहीं पता कि अपाचे सर्वर क्या होता है ये। हालांकि मैंने जो ट्रेनिंग सेशन कर रहा हूँ इसमें मैं जितनी भी चीजें हैं वो मैं ग्राउंड लेवल पे बैठ के कर रहा हूँ। ग्राउंड लेवल से मुराद ये है कि मैं जो रियल टाइम उनकी टर्म्स है ना, असल डेफिनेशंस है, वो मैंने किसी की भी नहीं बताई। मैंने समझाने के लिए किसी को मैंने सिस्टम बना दिया है, किसी को मैंने कुछ बता दिया, क्योंकि सिर्फ मेरा मकसद था अंडरस्टैंडिंग हो, पता हो गया ये हम क्यूज क्यों कर रहे हैं। बाद में जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे तो फिर आप उसकी रियल टर्म्स जो हैं, असल डेफिनेशंस हैं, वो समझ जाएंगे। तो अभी भी वही बात मैं बार बार रिपीट करूंगा कि जब तक आप एक दूसरे की हेल्प आउट नहीं करेंगे उस टाइम तक निज़ाम नहीं चलेगा। अगर मैं अभी भी आपको अपना व्हाट्सएप खोल के दिखाऊँ, आपको नीचे भी मूट के अलावा जो मैसेजेस हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे, 72 मैसेजेस अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। ये वो हैं जो मैंने ग्रुप को अभी मूट किए हुए हैं, उसके अलावा हैं सारे। ठीक है, तो आपके जब पर्सनल मैसेज आते हैं तो मैं नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ ऑन टाइम। ठीक है,
तो इस चीज़ की भी माजरत आपसे कि आपको ऑन टाइम जो है रिस्पांस नहीं मिलता। और बाहर स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं जी कि आप तो रिप्लाई नहीं करते, ये है वो है। तो यार उस चीज़ के लिए मैंने सोल्यूशन यही है कि आप ग्रुप में डिस्कस किया करें, किसी को भी कोई इशू होगा ना। अब देखें अगर किसी का वैम्प का है तो वैम्प का तकरीबन ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स का इशू है कि वैम्प इंस्टॉल नहीं हो रहा। जब एक स्टूडेंट ग्रुप में डिस्कस करेंगे ना तो उम्मीद है कि 5 से 6 स्टूडेंट्स का एट अ टाइम मसला हल हो जाएगा। फिर जो 5 से 6 स्टूडेंट्स का हल होगा ना वो आपकी एज अ टीम लीड में आ जाएंगे, वो आप दूसरे स्टूडेंट्स को लीड करेंगे कि जी आपने ये मसला किस तरह सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, वो जब एक चेन चलेगी ना एक दूसरे की हेल्प की, फिर निज़ाम बेहतर होगा। क्योंकि आगे हमने ये वर्डप्रेस पे अभी तकरीबन रमजान भी खत्म होने वाला है, ठीक है, 8 दिन रह गए हैं, 8-9 दिन। तो उससे पहले हमने वर्कप्लेस कंप्लीट करना है, वर्कप्लेस कंप्लीट करने के बाद फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। फ्रीलांसिंग पे कुछ ना कुछ अकाउंट्स बनाने हैं, उस पे बिडिंग स्टार्ट करनी है, ऑफर सेंड करनी है, फिर हमने वापस वर्कप्लेस पे आना है। तो इस तरह हमारी ट्रेनिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मेहरबानी करें, सारे जो हैं माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं तो मेच्योर हैं, तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया करें। सिंपल इज दैट कि एक दूसरे के साथ, ये आप सब की ट्रेनिंग है, मेरी अकेले की ट्रेनिंग नहीं है। मैंने तो एक सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, एक कोशिश है मेरी कि सारे स्टूडेंट्स कुछ लर्न कर जाएं, कुछ सीख जाएं। ठीक है, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि जब ये ट्रेनिंग खत्म होगी, जो लोग साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे उनको इतना, अभी तक की मैं जो ट्रेनिंग का है ना, अगर जिन लोगों ने ट्रेनिंग प्रॉपर की है उनको मैं बता देता हूँ कि उन्होंने क्या क्या सीखा है। उन लोगों ने ये सीखा है कि वेबसाइट्स की क्या कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है, वेबसाइट किस किस टाइप की होती है, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी क्या क्या है, लोकल होस्ट अपाचे सर्वर क्या 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 काम करता है, एसक्यूएल क्या चीज है, वर्डप्रेस क्या चीज है, मेनली चीज जो वर्डप्रेस क्या चीज है, वर्डप्रेस के हमें फायदे क्या है, विदाउट कोड हम वेबसाइट बना सकते हैं, उन्होंने ये बातें सीखी हैं। ठीक है, तो जब आप खुद सोचें अभी तो सिर्फ 3 लेक्चर हुए हैं और ये तीनों लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर हैं। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब अप लेवल का नहीं है। अभी अभी हमने वेबसाइट्स जो हैं कंप्लीट, जी कल वाला लेक्चर अपलोड कर दूंगा, कंप्लीट जो वेबसाइट्स क्रिएट करनी है उसमें मैं भी आपको, अभी 10 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट करें तो हमारी 1-1 बजे तक ट्रेनिंग चले, ठीक है, 2-2 बजे तक ट्रेनिंग चले, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सारा कुछ कुछ सीखना है तो सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, टाइम देना पड़ेगा। इस तरह कभी भी नहीं होता कि आप टाइम भी ना दें और आपको काम भी आ जाए, आपको सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मेरे एंड से इंशाल्लाह यही कोशिश होगी कि आप मैक्सिमम लर्न करें, दूसरी आपकी अपनी एफर्ट है कि आप कितनी कोशिश करते हैं उसको सीखने की। देखें मेरी अगर ट्रेनिंग इंशाल्लाह एंड होने तक, उम्मीद है कि मैं यही कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम लोगों को फाइवर, क्योंकि मैंने फाइवर ज्वाइन करवाना है तो मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम लोगों को फाइवर पे ऑर्डर आ जाए। जब 10 से 12 स्टूडेंट्स को ऑर्डर आ जाएगा उसका मकसद मतलब ये होगा कि मेरी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं थी, ठीक है, मेरी ट्रेनिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। जिन लोगों ने कुछ करने की कोशिश नहीं की उन लोगों का मसला है, उनको इसलिए ऑर्डर नहीं आ रहे, वो सिर्फ ट्रेनिंग को रिविजन करें। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपने खुद लेके चलनी है। ये मैंने आपको बताया कि ये आपकी ट्रेनिंग है, आपने लॉन्ग टर्म चलना है। देखें आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है, इसको लोग एक्सेस कर देना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है। आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, कोई किसी यूनिवर्सिटी से, कोई किसी यूनिवर्सिटी से, प्लानिंग करें, सेटअप बनाएं, सीटिंग्स करें, ठीक है, मुख्तलिफ आइडियाज पे काम करें, ठीक है, कुछ छोटी मोटी वेबसाइट्स बना लें। ठीक है, मैं आपको एक और आज एक मोटिवेशन के लिए ना, मोटिवेशन सिंपल एक मोटिवेशन के लिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, आपने फिर मुझे बताना है। ये जितनी देर पर डेटाबेस कन्फिगर होती है ना, मैं एक वेबसाइट है flipper.com, काफी बिजनेस आइडियाज हैं, अगर आप करना चाहें तो काफी बिजनेस आइडियाज हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, मगर शर्त वही है कि आप काम करें।
ये वेबसाइट है flipkart.com, इधर बिजनेस सेल होते हैं। आपका कोई भी बिजनेस है ना, वो आप इधर सेल कर सकते हैं। लाइक आपकी जो एप्लीकेशन आपने बनाई है, वो आप सेल कर सकते हैं। आप एक्सपायर्ड मेन सेल कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट्स बना के इधर सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इधर मैं अगर वेबसाइट्स में जाता हूँ, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। मैंने आपको बताया है कि काम अगर करना होगा, मैं आपको डोमेन होस्टिंग तक फ्री प्रोवाइड करूंगा, अगर आप काम करना चाहें तो। जब आपने काम ही नहीं करना, तो फिर डोमेन होस्टिंग सारी चीज़ों का कोई फायदा नहीं होगा, मुझे भी प्रोवाइड करने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। मैंने यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई थी, तो उसमें भी मैंने क्लियर बताया था कि जिस बंदे को भी डोमेन होस्टिंग चाहिए होगी, मैं दूंगा, मगर मैं उससे पहले उससे पूछूंगा कि भाई आपको डोमेन होस्टिंग क्यों चाहिए। आप मुझे अपनी फिजिबिलिटी दो कि आपको डोमेन होस्टिंग इसलिए चाहिए। आप ब्लॉग बनाना चाह रहे हो, तो उसका प्लान मुझे दो कि ब्लॉग पे कितनी पोस्टिंग करोगे, क्या आपका टॉपिक हो गया, क्या आपने सोचा हुआ है नेक्स्ट, ठीक है। फिर मैं आपको, और फिर मैं विदन 1 या 2 मंथ में आपसे रिपोर्ट लिया करूंगा कि आपने उस डोमेन और होस्टिंग को जाया तो नहीं किया, उस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने ये नहीं उनको कहा कि भाई उसमें 2-3 माह बाद मुझे अर्निंग देना है। मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि भाई मुझे रिपोर्ट देना कि आप उस डोमेन होस्टिंग को जाया तो नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरह अब देखें flipkart.com में इधर बिजनेस सेल होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इधर फिल्टर कर देता हूँ कि जी वेबसाइट की जो एज है ना, वो हो जाए 3 मंथ, ठीक है, मैक्सिमम 3 मंथ हो, और जो वेबसाइट रिसेंटली सेल आउट हुई है तो वो, और नीचे मैं इसका फिल्टर, कहीं फिल्टर नहीं, इसका आ रहा, जगह पे इसका फिल्टर शो हो रहा होता है, वो नहीं शो हो रहा था। आई थिंक ऑटो अप्लाई कर दिया इन्होंने फिल्टर। अब मैं आपको इधर, जी ऑटो अप्लाई है इनका फिल्टर, एम सेलेक्ट करते हैं तो फिल्टर इनका सेलेक्ट हो जाता है। आई थिंक ये इन्होंने किया है जी। एज हो गई है, ऑक्शन हो गई है, रिसेंटली सॉलिड हो गई है, ठीक है। अब आप इधर आ जाएं, अब हम इसकी देख लेते हैं जनाब, ये एन नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, उसके अलावा इसका प्रॉफिट 0 है, नेट प्रॉफिट 0 है, नेट प्रॉफिट 0 है, नेट प्रॉफिट 0 है, ठीक है, नेट प्रॉफिट 0 है, ठीक है। ये मैंने कुछ वेबसाइट्स ओपन की हैं, ठीक है। ये वेबसाइट्स हैं, अब इनकी नीचे डिटेल देखें। ये वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे बनी हुई है वेबसाइट है, ठीक है। इनका कंटेंट और जो डिजाइन है वो यूनिक है, बकोल इनके। मे भी हम ओपन करें इसका कोई थीम सर्च करें, तो हमें वो थीम मिल जाए और हम अपनी टाइप की वेबसाइट बना लें, ठीक है। अब मैं इस वेबसाइट को विजिट करता हूँ, इस पे क्या है, ये वेब कॉन्फ्रेंस के लिए वेबसाइट बनाई गई है, ठीक है, जिसपे आप वेब कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जिस तरह ब्लू बिग ब्लू बटन है, जूम है, ये उस तरह की कॉन्फ्रेंस के लिए वेबसाइट बनाई गई है, ठीक है। ये वेबसाइट का आपको, इस टाइप की वेबसाइट का आपको स्क्रिप्ट इजीली मिल जाएगा। अब इस बंदे ने ये डोमेन जो है, मैं इसको डोमेन को भी चेक करते हैं, इसकी हो इस हो डॉट इस। अब इधर तो इसने इन्फॉर्मेशन जो लिखी है वो यही लिखी है कि जी ये स्टार्टर वेबसाइट है और वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट है, सिंपल। इसको बाद में स्टार्ट करते हैं, अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसकी डाटा आईसीयू है, तो इसकी होइज अवेलेबल नहीं है। अब ये देखें, ये वेबसाइट जो है इसका डिजाइन नॉट यूनिक है, यूनिकनेस कंटेंट उनका यूनिक है, स्टार्टर वेबसाइट है, वेबसाइट की एज 1 मंथ है, ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट है, ठीक है। अब ये वेबसाइट कितने की सेल, आप खुद सोचें, सिर्फ एज कितनी है वेबसाइट की, 1 मंथ, 1 मंथ ओल्ड वेबसाइट जो है वो $705 की अगर सेल हो रही है,
तो यार आप क्यों नहीं टीम बना के सेल कर सकते हैं? टीम बनाओ, टीम बिल्डअप करो, तो उसको सेल कर लो। मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ, फिर वापस इसकी तरफ यार। जी बिटना में इंस्टॉल हो गया, वर्डप्रेस को एक्सेस कर लें इधर से। इसका एक इशू है, इस पे सिर्फ आप एक ही वेबसाइट बना सकते हैं, बिटनामी पे ज़्यादा वेबसाइट्स एट अ टाइम नहीं बना सकते। WP एडमिन ओपन कर लें, यूज़र नेम इंटर करें, अपना पासवर्ड इंटर करें और वन इंटर। लें, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई है, डाउनलोड मतलब प्रॉपर जो है इंस्टॉलेशन हो गई है बगैर किसी एरर के। तो आप ये मेथड फॉलो कर लें, जिस किसी को कोई इशू वैम पे कोई भी इशू आ रहा है तो ये मेथड बिटनामी जो यूज करके इसको फॉलो कर लें। एक्सेस करने के लिए /wp-admin। ठीक है, इधर से आप अपना प्लगइन वगैरह जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं। बिटनामी में आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की जरूरत ही नहीं होती, आप डायरेक्ट का आपकी वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल, जैसे ही आप बिटनामी इंस्टॉलेशन करते हैं ना बिटनामी की, उसी टाइम पे आपकी जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाती है साथ ही। ये दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, वैम्प जैम बिटनामी जो भी। मल्टीपल वेबसाइट्स पे अगर काम करना है तो वैम्प या वैम्प सर्वर भी यूज करें। इसमें यह है कि आप जितनी वेबसाइट्स चाहें क्रिएट कर सकते हैं। अगर बिटनामी का डायरेक्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे जिसमें वो तमाम स्क्रिप्ट को करता है, तो उसमें भी आप ज्यादा वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। क्या इशू आ रहा है? आपने नाम नहीं लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। वैम्प सर्वर में PHP माई एडमिन में DB क्रिएट करते हुए क्या एरर आ रहा है आपके पास? सर आपसे एक क्वेश्चन है, ई कॉमर्स वेबसाइट अगर हम वर्डप्रेस पे बना लें तो वो हम एफिलिएट कैसे करेंगे दूसरी वेबसाइट के साथ? क्या मतलब, आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स को दूसरी वेबसाइट्स के साथ किस तरह एफिलिएट करना है? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। डब्ल्यू वेब सर्वर पर भी एट अ टाइम एक ही वेबसाइट बना सकते हैं? नहीं, वेब सर्वर पे आप जितनी चाहे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आपके पास पड़ी होगी, आप वर्डप्रेस के नाम फोल्डर बनाएंगे, मतलब एक आपने फोल्डर बना लिया जी वर्डप्रेस के नाम से, बना लिया टीचिंग के नाम से। अब उसको उसी तरह आप डेटाबेस क्रिएट करो, उसको आप नए डेटाबेस के साथ लिंक करके उसमें मतलब जितनी वेबसाइट चाहे कर सकें। जी नंबर 10 मैं आपको कर रहा हूँ, अलाउ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन कर सकते हैं। नंबर 10 जी, परमिशन दे दिए, स्क्रीन शेयर कर लें अपनी। फोल्डर का नाम नहीं चेंज करना होता, फोल्डर ही न्यू बनाना होता है। फर्स्ट आप जिस पे काम कर रहे हैं उसको एक फोल्डर में पड़ा रहने दें, न्यू फोल्डर बनाएं, उस पर आप कर लें। इसी तरह जितनी भी आप बनाना चाह रहे हैं तो उतने फोल्डर क्रिएट करते जाएं। सर ये देखें, ये शुभान से मैं स्क्रीन शो रही, देखें ये सारे इश्यू आ रहे स्क्रीन हैं शो। यहाँ सर, यहाँ मैं कोई भी नाम लिखता हूँ डेटाबेस क्रिएट करने के लिए तो सर यहाँ इशू आ जाता है। जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूँ या एसक्यूएल डीबी सर वॉइस डिस्टॉर्शन है कुछ समझ ना है, वो मारिया जो डीबी है उसमें काफी ज्यादा इशू आता है। आप एसक्यूएल डीबी यूज करें। एसक्यूएल डीबी सर इसे चेंज कहाँ से करेंगे?
अब इसको वेब सर्वर को अनइंस्टॉल, जब आप इंस्टॉलेशन करते वक्त अपना डीबी सिलेक्ट करेंगे ना, वो आप एसक्यूएल डीबी सिलेक्ट करेंगे, एसक्यूएल डेटाबेस आपके पास, इसको अनइंस्टॉल कर दें, अपना वेब अनइंस्टॉल करें पहले। ओके सर, अभी इंस्टॉल कर दें इसको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मुझे आपसे क्वेश्चन करना था सर कि हम वर्डप्रेस में जब वेबसाइट बना ले, ठीक है, मतलब ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो हम वो इसमें एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब दराज के साथ या अमेज़न के साथ ऐसे? आप उनकी एफिलिएट मार्केटिंग इस तरह कर सकते हैं कि आप उनकी प्रोडक्ट जो है ना, जब तो आप उनको एफिलिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो जो एफिलिएट का है ना, वो देते हैं कि आप अपने वेबसाइट पे उनके बैनर शो कर लें, ठीक है, बैनर शो कर सकते हैं आप उनकी जो एफिलिएट। सर आपका माइक से भी है, बैनर शो कर सकते हैं सर, समझ बिल्कुल ही नहीं आई वॉइस से आपकी। सर आपका माइक नहीं सही आपका सर, आज नॉइज है सर बहुत ज्यादा आवाज, मेरा माइक आज कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, मैं आज हैंड फ्री यूज कर रहा हूँ इसलिए वॉइस का इशू आ रहा है सबको। ओके सर, थैंक यू सर। जो आपका क्वेश्चन था कि दराज दराज की आप जो है प्रोडक्ट्स जो हैं उनके सिर्फ बैनर, जो उनका डायरेक्ट एफिलिएशन है उसमें आप वो को वो बैनर दे देते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे इन बैनर्स को डिस्प्ले कर दें। जब उन बैनर्स पे कोई भी विजिटर आता है, वो उनकी वेबसाइट पे जाता है, तो आपको उस चीज का सेल पे कमीशन मिलता है, ठीक है। अगर आप उनकी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी उन पे उस पे सेलर्स हैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप उन्हीं के सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, अगर किसी ने लगाया है 500 की, तो आप 600 की अपने स्टोर पे लगा लें ऑर्डर, उस तरह से दराज से उसका प्लेस करवा दें, आप इस तरह कर सकते हैं। मगर ड्रॉप शिपिंग का जो है वो एक प्रॉपर वे है, ड्रॉप शिपिंग आप दराज से ना करें, वो आप दूसरी वेबसाइट्स हैं उनसे ड्रॉप शिपिंग करें, जो आपको वैसे ना हुआ है ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, आप ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड सर्च करें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि दराज जो है वो ड्रॉप शिपिंग की ऑफर नहीं प्रोवाइड करता, जो एफिलिएशन का प्रोवाइड करता है वो सिर्फ ये आपको लिंक दे देंगे कि आप उस लिंक से जो भी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे ना, अगर आपके लिंक से जो आपके बैनर से सेल होती है ना, तो वो आपको उसका मिलेगा कमीशन। ओके सर, वो सर डिटेल हमें मतलब वो दे देते, तो हम सिर्फ उसका लिंक यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में, वो उस लिंक से वो उधर चले जाते हैं, यूज करते हैं। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। चलो ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर सेशन करते हैं, आज वॉइस का काफी ज्यादा इशू है, तो कल के सेशन में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड